हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करूंगी जिसमें हम बनाएंगे डबल साइड में बहुत ही सुंदर यूनिक लेटेस्ट ब्लाउज की बैक नेक डिज़ाइन। तो फ्रेंड्स, मैंने इस तरीके से दो कलर में मेरा कपड़ा है और ये सबसे पहले हमने न्यूज़पेपर पे मैंने इसमें कटिंग कर ली है। पहले आपको पेपर पर ही कटिंग करनी होगी और ये मैंने पहले व्हाइट वाला फेब्रिक लिया है जो हमारा मेन फेब्रिक है, और इस तरीके से मैंने न्यूज़पेपर में इसकी कटिंग कर ली है बैक पार्ट की। और इसको पहले हम व्हाइट फेब्रिक पर कटिंग करेंगे जो हमारा मेन फैब्रिक है। लाइन वाला फैब्रिक भी हमारा अलग रहेगा। तो इस तरीके से इसको रखते हुए पहले जो हमने बैक पार्ट है हमारा वो डबल साइड में रहेगा, तो एक साइड का हम वाइट में इसकी कटिंग करेंगे। तो हम न्यूज़पेपर की जो हमारी कटिंग है न्यूज़पेपर की, उससे आधा इंच की दूरी पर हम इस तरीके से निशान लगाएंगे, क्योंकि हमें आधा इंच थोड़ा बड़ा रखना है और क्योंकि ये सिलाई में भी जाएगा। और जो हमारा लाइन वाला फैब्रिक रहेगा वो हमारे न्यूज़पेपर की कटिंग के बराबर रहेगा। तो इस तरीके से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने एक साइड की तो इस तरीके से कटिंग कर ली है। अब हमें दूसरे वाले साइड की कटिंग करनी है। तो ये हमारा जो थोड़ा डार्क ग्रीन कलर है, तो इस तरीके से हमें इसकी भी कटिंग करनी है। तो इसका मैंने भी दूसरा पार्ट है जो न्यूज़पेपर पे कट कर लिया था, बैक पार्ट हमारा दो साइड में है, तो इसका भी सेम वैसे ही आधा आधा इंच की दूरी पर हम इस पर चौक से निशान लगा लेंगे। तो इस तरीके से इसको रखते हुए अच्छे से और चौक से इसके निशान बना लेंगे। उसके बाद में हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो आधा आधा इंच की दूरी पर ही हमें इसके भी निशान लगाना है, क्योंकि हमारे न्यूज़पेपर में और कपड़े में बहुत फ़र्क होता है, तो थोड़ा सिलाई में भी जाएगा मेजरमेंट। तो इस हिसाब से हमें आधा आधा इंच की दूरी पर निशान लगाना है और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे मेन फैब्रिक की कटिंग हो चुकी है। दोनों साइड हमारे इस तरीके से रहेंगे सिलने के बाद डबल साइड में। अब हमें लाइन वाले फैब्रिक की कटिंग करनी है। तो सेम दोनों पार्ट्स को इस तरीके से लाइन वाले फैब्रिक पर रखते हुए और दोनों पार्ट्स की हम इसकी कटिंग कर लेंगे। हमारे दोनों पार्ट्स की मेन लाइन वाले फैब्रिक पर भी कटिंग कर ली है मैंने। अब हमें इसमें पम पम तैयार करने हैं। तो ये मैंने थर्माकोल का ये छोटा टुकड़ा लिया है। आप कुछ भी रख सकते हैं इसमें, या कॉटन रख सकते हो या थर्माकोल या जो भी कपड़ा हो वो उसको रख सकते हो। इस तरीके से हमें पम पम तैयार करनी है बिल्कुल बारीक बारीक। तो इस तरीके से मैं इसको अंदर रखते हुए धागे से लपेट के, और मैंने इतनी सारी पम पम तैयार कर ली है। दोनों साइड की हमें पम पम तैयार करनी है जो हमारा दोनों कलर है, दोनों कलर की हमें इसमें रेडी करनी है। और इसके बाद हमें जो हमारा फैब्रिक है, तो हमें सबसे पहले हमें मेन फैब्रिक हटा देना है और जो हमारा लाइन वाला फैब्रिक है इसको उल्टा रखते हुए इस पर इस तरीके से पम पम अंदर की तरफ इसका मुंह करते हुए इस पर सिलाई लगाएंगे। तो सारे पम पम को इस तरीके से रखेंगे और इस पर चाहे तो आप एक लाइन खींच के इसमें निशान बना सकते हैं, जैसे जिस तरीके से मैंने इसमें बना रखा है आप देख सकते हैं। और सारे पम पम को मैं इस तरीके से एक एक करके इसमें लगा दूंगी। बिल्कुल पास पास नहीं लगाना है, बिल्कुल आधे आधे इंच की दूरी पर हमें इसमें पम पम को लगाते हुए सिलाई कर देनी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें पम पम लगा के इसको रेडी कर लिया है। अब हमारा जो मेन फैब्रिक है इसको इस तरीके से रखेंगे और इस पर हम सिलाई लगा देंगे, क्योंकि हमें दोनों को उल्टा ही रखना है और इसके ऊपर से हम एक सिलाई लगा देंगे। तो जो हमारे नीचे वाला फैब्रिक है उसको इस तरीके से उल्टा रखेंगे और जो हमारे पम्पम की सिलाई उसी सिलाई पे हमें सिलाई लगाते हुए इसको अटैच कर देना है दोनों पार्ट्स को। फ्रेंड्स, मैंने इसको पम पम को लगा के रेडी कर लिया है। अब हमें ऊपर से गले पे एक सिलाई और लगा देंगे।
तो सेम वैसे ही मैंने दूसरे पार्ट को भी रेडी कर लिया है फ्रेंड्स। इस तरीके से दोनों के एक दूसरे के फैब्रिक की मैंने पंपम यहाँ पर लगा के रेडी की है, और यहाँ से हम इसको जॉइंट करेंगे। दोनों को इस तरीके से हमें जॉइंट करके इसकी डिज़ाइन बनानी है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर जो डिज़ाइन बनानी है ऊपर से, तो मैंने इसके लिए ये डोरी बनाई है कपड़े की, सेम अलग अलग फैब्रिक की ही मैंने इसमें डोरी बनाई है। तो इस तरीके से डोरी बनाने के बाद मैंने इसको इस तरीके से डिज़ाइन बनाई है। इसमें डोरियों को एक दूसरे की तरफ निकालते हुए गोल सर्किल देते हुए इस पर हम सिलाई लगा के पूरे गले पे सेम वैसे ही डिज़ाइन हम बना के रेडी कर लेंगे। इसमें मैंने डोरी लगाने के बाद इस तरीके से पहले दोनों पार्ट्स को हम अटैच करेंगे। तो उससे पहले हम पहले अच्छे से सेट करके इसको पाइपिंग से मैंने इसको अटैच कर लिया है। अब यहाँ से हम सिलाई लगा के इसको पक्का कर लेंगे, और फिर इसके बाद में हम दूसरे की डिज़ाइन भी बनाएंगे, दूसरे पार्ट्स की जो हमने उस पर डोरी वाली बनाई थी। अब उसके बाद में मैंने सिलाई करने के बाद इसमें डोरी वाली सेम वैसे ही डिज़ाइन बनानी है जो हमने दूसरे वाले पार्ट्स पर बनाई है। तो इस तरीके से हमारी डिज़ाइन बन के रेडी हो गई है फ्रेंड्स। तो आपको ये डिज़ाइन कैसी लगी? आपको अगर डिज़ाइन पसंद आया है एंड वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नई यूज़फुल वीडियो के साथ। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।